गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, लास्ट वाला वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा मेरा, एंड वो व्लॉग मैंने अभी जस्ट आई गेस संडे को अपलोड किया है। सो आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं। सो आज एक न्यू व्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले ये मॉर्निंग का टाइम है और आज मंडे है, एंड मैंने प्रीतिश को स्कूल नहीं भेजा है बिकॉज हमारा कुछ प्लान है, हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो अभी वो मैं आगे जब कार में बैठ के जब वीडियो शूट करूँगी तब मैं रिवील करूँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो ये सब कुछ है, एंड अभी बन रहा है मेरा ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने क्या बनाया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, मैंने बनाया है गार्लिक ब्रेड, और बच्चों को पूछा था तो वो लोग नहीं खाएंगे, बट तो मैंने अपने लिए और राहुल के लिए बनाया है। तो दो यहाँ बन के रेडी है, एंड दो और जो है वो बन रहे हैं अभी। तो चीज़ एकदम मेल्ट हो गया है, एंड आई गेस ये दोनों भी प्रिपेयर हो गया। तो चार बनेंगे, दो राहुल खाएंगे, दो मैं खाऊंगी। तो अभी ये अपडेट है, और उसके बाद हमारा पैकिंग भी स्टार्ट हो चुका है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। प्रीतिश एक मिनट साइड हटना। सो गाइज, ये हमारा बैग है। तो बैग देख के आप लोग आइडिया लगा चुके होंगे कि हम लोग विराज दो मिनट। तो हम लोग कम से कम दो तीन दिन के लिए जा रहे हैं। तो हम कम से कम दो से तीन दिन के लिए जा रहे हैं बाहर। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आगे आप लोगों को वीडियो में रिवील करूँगी। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं और हम लोग ऑन द वे हैं अभी। एंड अभी भी मैं नहीं बताऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज थोड़े देर के लिए हम इसको सरप्राइज रखते हैं, ऐसा कुछ सीन है। एंड बच्चे लोग पीछे आराम से बैठ गए हैं, दोनों बच्चे हैं, और हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ऐसे घूमने निकले हैं। इस बार ही हम लोग जा रहे हैं कम से कम भी दो या तीन दिन के लिए, तीन से चार दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं। और पंजाब से जो भी एरिया घूमने के लिए पास पड़ता है तो आप लोग गैस कर लीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बिकॉज आज तो हमें पूरा दिन लगने वाला है। एंड हस्बैंड बता रहे थे कि ऑलमोस्ट सेवन टू एट आवर्स का रास्ता होगा ना, 8 आवर्स का रास्ता होगा, और वो भी रुकते रुकाते जाएंगे बिकॉज बच्चे हैं साथ में, एंड कुछ ना कुछ खाने पीने का रहेगा सीन, ऐसा कुछ है। एंड बाकी के अपडेट भी मैं आपको आगे देती रहूँगी। तो फाइनली हम निकल चुके हैं अपने हॉलीडे ट्रिप पे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर एकदम चारों तरफ रेत ही रेत नज़र आ रही है। तो रेत देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं एंड गेस कर सकते हैं कि हम लोग कौन सी जगह जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, मतलब अभी लगेगा और भी कुछ टाइम, एक दो घंटे और लगने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये लोकेशन देख के आप लोग थोड़ा सा आइडिया तो लगा ही चुके होंगे कि हम लोग कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, प्रत्युष की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, एंड फिर हमने सीट चेंज कर लिया, मैंने उसको आगे भेज दिया है, एंड मैं पीछे आ गई हूँ। तो ये सब कुछ है, एंड हम लोग कहाँ पहुँचे मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। हाँ, तो आप लोग और गेस कर लेंगे कि कौन सी जगह है ये। डेजर्ट वाले एरिया में एंटर कर चुके हैं,
और डेजर्ट के नाम से सुनते ही आप लोगों को पता चल चुका होगा कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। एंड बहुत ही यहाँ पे चारों तरफ एकदम रेत ही रेत है, हर जगह रेत ही रेत है, आप देख सकते हैं। सॉफ्ट टॉयज को लेके कैसे देखो खूब इंजॉय करते हुए जा रहा है, लेट गया है वो, फुल रेस्ट कर रहा है बदमाश नॉटी बच्चे। हे गाइस, तो हम लोग फाइनली पहुंचे हैं अभी एंड टाइम हो रहा है 6 बज गए, 6 बजे हम लोग पहुंचे हैं। लंच वंच करने के लिए रुके थे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रूम का टूर दे देती हूँ। तो कैसा हम लोगों का रूम है वो, तो यहाँ से ऐसे एंटर करते हैं। एंटर करने के साथ में राइट हैंड साइड में इधर एक वॉशरूम है, यहाँ पे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो कुछ इस टाइप से है, एंड उसके बाद फिर हमने एक ही सिंगल रूम लिया है बिकॉज एक या दो दिन की बात है, हो जाएगा मैनेज। तो यहाँ पे एक टीवी है LED, एंड उसके बाद AC लगा हुआ है, और दिस इज़ आवर बेड, ये वाला हमारा बेड है। और विराज कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहा है, तो अभी हम लोग जस्ट पहुँचे। इधर एक कबर्ड है एंड सामने भी एक ड्रेसिंग टेबल, उसके बाद ये हमारा कुछ सामान है, वो सब कुछ है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी शाम के बज गए हैं, कितने प्रत्युष? 6:30 हुआ होगा, आई गेस 6:45 हो गया है। और हम लोग फ्रेश होके हम लोगों ने चाय वाय पी लिया अच्छे से, एंड अब हम लोग अभी ही निकल रहे हैं, हम लोग कैमल राइड लेने के लिए जा रहे हैं। एंड जो होटल के जो ऑनर होते हैं उन्होंने बताया कि यहाँ कुछ ऐसे कैमल राइड चल रहा है अभी इस टाइम पर, शाम के टाइम में। तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। एंड ड्रेस मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया बिकॉज कैमल राइड करना है, तो ये कंफर्टेबल है एकदम, जॉगर्स मैंने पहना हुआ है। एंड बच्चों का भी मैंने कोई अभी ड्रेस चेंज नहीं किया। अब हम जो कुछ चेंज करेंगे वो नाइट में आके स्लीपिंग ड्रेस जो होगा वो सब कुछ पहनेंगे। एंड चलिए देखते हैं कैसा रहता है हमारा कैमल राइड। मुझे तो वैसे बहुत डर लगता है, बट फिर भी बच्चे लोग करेंगे और शायद मैं भी करूं, तो फिर लेट्स सी कैसा रहता है। तो गाइस, यहाँ पर मैं निकलने के लिए एकदम रेडी हूँ। ड्रेस मैंने चेंज नहीं किया है, थोड़ा सा टचअप कर लिया था, एंड फ्रेश अप हो गए थे हम लोग, फ्रेश हो गए थे। एंड ये प्रत्युष है, ये विराज है, दोनों को अच्छे से हेयर कॉम वॉम कर दिया है। तो हम लोग यहाँ निकल चुके हैं, यहाँ पर चौपाटी में, एंड एक ये पार्क जैसा एरिया होता है, बीच में लेक है, लेक के बीच में आपका बोटिंग है, एंड उसके बाद जितने भी खाने पीने के रेस्टोर टाइप के हैं सब कुछ है यहाँ पे। बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा फन प्लेस है ये वाला, एंड व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। बस रखी ना खाने बच्चा और मानने चल। हेलो गाइस, तो हम लोग अभी यहाँ पर हैं, चौपाटी पार्क है ये, और इवनिंग के टाइम का आप व्यू देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत सारे लोग आए हैं, और हम लोगों के जो होटल के जो ऑनर हैं उन्होंने बताया था कि आप लोग इवनिंग के टाइम में वहाँ पे जाके घूम के आइए, तो काफ़ी अच्छा है। एंड फूड कॉर्नर्स वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पे, किड्स के लिए भी काफ़ी अच्छा सेक्शन है, बोटिंग सेक्शन, बहुत सारा सब कुछ है यहाँ पर। मैं आगे भी अभी दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ पर और क्या क्या है। तो हम लोगों ने अभी मोमोज ऑर्डर किए हैं, वो खाएंगे। विराज कम, वैसे तो हमारे देहरादून के मुकाबले का कोई मोमो नहीं है, बट अभी हम लोग बीकानेर का मोमोज भी ट्राई करेंगे। कम उधर बैठ के पहले खाएंगे फिर। बहुत ही बेकार मोमो,
वेस्ट ऑफ मनी। 100 रुपीज का प्लेट है और एक भी टेस्ट नहीं है, बिल्कुल बेकार। तो गाइज सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर विराज को राइड करवाया है एंड उसके बाद फिर प्रत्युष को एक राइड करवाएंगे एंड तब जाके फिर हम लोग फैमिली बोटिंग करेंगे यहाँ पर। और जो मेनली जो जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे कैमल राइड के लिए, तो इस टाइम पर काफ़ी टाइम ज़्यादा हो चुका था तो वो अभी बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है। तो कल हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ सीन रहेगा। तो फिलहाल अब हम लोग यहाँ पर ये चौपाटी का जो व्यू है इसको एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी खुश थे, बहुत सारा क्राउड यहाँ पे आया हुआ था इवनिंग के टाइम में। तो गाइज हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, विराज अभी राइड ले रहा है अपनी, बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था तो सबसे पहले उसको ही राइड करवाया है हम लोगों ने एंड वो जा रहा है वहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। एंड प्रत्युष के लिए भी हम लोगों ने टिकट खरीदा है, वो अभी वहाँ पे बोटिंग करेगा। सो ऐसा कुछ सीन है एंड अब हम लोग यहाँ से पार्क वार्क घूमने के बाद फिर अपने होटल वाले रूम में चले जाएंगे। सो कस्ता लगे हो विराज, कस्ता लगे? कम पेट्रोल खत्म। तो मेनली हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर आए थे कैमल राइड के लिए, तो वो तो अभी इस टाइम पर बंद हो चुका है एंड अभी हम लोगों ने यहाँ पे घूम लिया अच्छे से एंड अब हम करेंगे बोटिंग। और विराज यहाँ पे प्रत्युष जो है ये इसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, वो वाला जो राइड है वो ले रहा है, जो पानी में ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते हैं वो वाला। एंड उसके बाद फिर अब हम लोग बोटिंग करेंगे यहाँ पर एंड ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये प्रत्युष और राहुल जो है दोनों मिलके बोट चला रहे हैं और मैं और जो विराज हैं वो बैठे हुए हैं मज़े से। तो व्यू काफ़ी अच्छा था एंड कल की सुबह देखते हैं कि हम लोग क्या कुछ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स अभी तक के व्लॉग को देखते हुए आप लोग पता लगा चुके होंगे कि हम लोग कहाँ पर हैं। तो जी हाँ, हम लोग घूमने आए हैं बीकानेर। बीकानेर से आगे हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा टूर हो जाएगा एंड राहुल की छुट्टी उतनी नहीं है और बच्चों की भी ज़्यादा, हम स्कूल का एब्सेंट नहीं करा सकते हैं। ये मेरा ट्रैवलिंग व्लॉग का पार्ट 1 रहने वाला है, पार्ट 2 भी जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो होप यू एंजॉय माई व्लॉग, इफ़ यू डू सो डैन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट गाइज, बाय बाय।